एक कहावत है कि अगर होमवर्क नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं रणनीति फेल हो जाती है, पोल खुल जाती है, दिक्कतें खड़ी हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे झाबुआ में प्रशासन के दो विभागों के बीच में समन्वय नहीं था और एक दूसरे की बातें ऐसी सामने आई कि प्रशासन की किरकिरी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ 13 तारीख को मेघनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर हुए एक आंदोलन की। इस आंदोलन में सैलाना एमएलए कमलेश्वर डोडियार, कमल सिंह, डॉक्टर कमल सिंह डामोर, अनिल कटारा और विजय डामोर, कमलेश सिंह और तमाम आदिवासी संगठनों के जो प्रमुख हैं वो शामिल हुए थे और इस चीज़ का विरोध जताया था कि कैसे 11 गांवों की जमीनों का कि खनिज ब्लॉक नीलाम कर दिए गए हैं और इससे आदिवासी इलाके का भूगोल भी प्रभावित होगा और पर्यावरण भी प्रभावित होगा, आदिवासियों की ज़मीनें भी जाएंगी जिस पर वो खेती कर रहे हैं। इसी दौरान जब ये कार्यक्रम जब अंत की ओर बढ़ रहा था तब SDM को ज्ञापन के लिए बुलाया गया। SDM साहब ने कहा कि ये सीधे नीलामी हुई है, प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है और सिद्धांत वो आपके साथ हैं, मतलब मैं आपके साथ हूँ। देखिए क्या कहा SDM साहब ने, पहले वो सुन लीजिए। जो जमीन की नीलामी के संबंध में सूची मैंने देखी है, मेरे खुद के बाद में संज्ञान में आया है, ये सारी जानकारी ऑनलाइन आगे से ही दर्ज हुई है। हमारे स्तर पर यानी के SDM या तहसील के स्तर पर किसी भी प्रकार से जानकारी हमने लोड नहीं की है। ये सारी की सारी कार्रवाई आगे से ऊपर से ही जो है ऑनलाइन दर्ज की गई है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो आपने सुना SDM साहब का इस पूरे मसले पर क्या कहना था। अब SDM साहब की पोल किसने खोली? जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने। जिला खनिज अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, बारी जब उनकी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रशासन को सब पता था, उनके नॉलेज में ही सब कुछ होता है, उसके बगैर कुछ नहीं होता है। और एक तरीके से उन्होंने पोल खोल दी। क्या कहा जिला खनिज अधिकारी ने, वो भी सुनिए। जो भी जानकारियाँ होती है वो संबंधित ग्राम सभा को जाती है और सबको मालूम रहता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। SDM साहब को भी मालूम है इस चीज को, कौन बोल रहा है कि SDM साहब को नहीं। कोई ग्राम सभा से NOC नहीं हुई, ऐसा SDM साहब ने भी कहा है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक ग्राम सभा से NOC ली जाती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मेरे कार्यालय में आइए, मैं आपको NOC बताऊंगा। माइनिंग विभाग का अधिकारी मैं हूँ, मैं बता सकता हूँ। क्या आप बता सकते हैं? आप यह बताएं खनिज अधिकारी जी, NOC क्या होता? केवल दो आदमी पैसा लेके NOC देते कि गांव के लोगों की सहमति दी जाइए NOC में? ये कहना आपका गलत है, ये कहना आपका गलत है कि आप सही बताओ, सही क्या आप बताओ? लेके किया था, ये गलत कहना। नहीं नहीं सही आप बताओ, बता दीजिए ना। अभी नार्को टेस्ट करते हैं, अभी नार्को टेस्ट कराते हैं सब लोगों का इनका। आप नार्को टेस्ट भी करा लो, मैं तो आपको ही बोल रहा हूं, आप नार्को टेस्ट कराना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं सरपंच को कह रहा हूं वहां पे। आप सरपंच तुम्हें नहीं कह रहा हूं, ये NOC कैसे जारी हो गई? आप मेरी बात सुनो, गांव के लोग तो यहां बैठे हुए। देखिए प्रत्येक नीलामी की खदान के बारे में जो शासन स्तर से होता है वो भी हमको नॉलेज में रहता है, ठीक है, सारा नॉलेज में रहता है, प्रशासन को भी रहता है, हमको भी रहता है। जहाँ खदान की नीलामी करती है वहाँ लोगों को बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता है? मेरी बात सुनिए, सूचना देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? मेरे को आक्षेप लगा रहे हैं क्या? आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, आक्षेप कौन लगा रहा हूँ? आप थोड़ी, यू कैन नॉट गिव NOC, अंडरस्टैंड? नो नो, आप NOC नहीं दे सकते। NOC वाली बात कभी हुई नहीं है, आप दे नहीं सकते। ग्राम सभा का ठहरा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, ग्राम सभा नहीं हो, आप जितना पूछ रहे उतनी बात करो। आप ग्राम सभा, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप तो कुछ बोल रहे हैं क्या, ये बताइए। हम आपको आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो NOC हुई है वो कैसे होती है, उसकी प्रोसीजर पूछ रहे हैं आपसे। हम तो प्रोसीजर पूछ रहे हैं ना, हम बता रहे हैं प्रत्येक ग्राम सभा से ठहरा प्रस्ताव दिया जाता है। मेरे जमीन के नीचे खदान लगानी, बताओ कैसे NOC होगी? इतना झूठ बोले, देखो इतना झूठ बोले। क्या झूठ बोले? अरे NOC प्रोसीजर बताओ, आप बताइए क्या झूठ बोले आप? NOC प्रोसीजर बताओ। NOC एक मिनट सर, NOC के लिए मैंने बोला कि ग्राम सभा से ठहरा प्रस्ताव लिया जाता है और पुनः ग्राम सभा ठहरा प्रस्ताव से आप मेरे पास, आप ऐसा नहीं है।
आप बिना एनओसी के कोई खदान नहीं होती है, आप बताइए बिना एनओसी के कोई खदान होती है क्या? ठीक है, जो एनओसी देने वाले लोग हैं उन्होंने गड़बड़ करी है, जिन्होंने एनओसी दी है, जिन्होंने एनओसी दी है उन्होंने साठ गांठ करके एनओसी दी है, ये लोगों को पता ही नहीं है, ये कहना गलत है। आप झूठ बोल रहे हैं खनिज अधिकारी। नहीं नहीं कोई गलत नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपने सुना, एसडीएम साहब पूरब की तरफ जा रहे थे और खनिज अधिकारी पश्चिम की तरफ जाकर एसडीएम साहब की पोल खोल दी है। और जिला प्रशासन को, पंचायत को, तहसील को सब कुछ पता था, ये जिला खनिज अधिकारी के बयान से स्पष्ट हो गया। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अधिकारी लोग होमवर्क कर लें, कब कहाँ क्या बोलना है समन्वय कर लें, नहीं तो फिर ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं और किरकिरी हो जाती है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इस खबर को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।